पास घूमने के लिए बहुत अच्छा वेदर हो रखा है एकदम। वाह कितना सुंदर लग रहा है पंचक पास। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ, मैं हूँ पुंचक में जो जकार्ता के पास पड़ता है, जहाँ से एक दो घंटे का सिर्फ टाइम लगता है। तो मैं इस समय हूँ पुंचक में और यहाँ पे हम लोग, क्योंकि जकार्ता में ना छुट्टी हो जाती है 5-10 दिन के लिए, कंटिन्यू से छुट्टी हो जाती है ईद की उसमें, तो फिर घर पे सब बोर होते हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया हम आएंगे पुंचक और हमने किया एक रिसॉर्ट बुक, और जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे इतना ज़्यादा मज़ा, इतना अच्छा, पता है यहाँ पे इतना ठंडा है, वहाँ तो गर्मी है प्रॉपर, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यहाँ पे मौसम ठंडा है, आपको फुल टी शर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बस वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर आप वहाँ रह रहे हो आसपास कहीं भी, तो आप आके यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो, आपका टाइम निकल जाएगा और बहुत अच्छा भी फील होगा। पूरी फैमिली प्लान करके आओ, और सबके माइंड में था ना कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक होगा इन लोगों का, बट हम लोग निकले थे शाम में 7 बजे और हम टाइमली पहुँच गए, कोई ट्रैफिक नहीं था इसलिए पहुँच गए। और यहाँ पे भी 3-4 दिन रहेंगे और हम लोग दिखाएंगे मैं यहाँ पे क्या कर रही है, कुछ चाय बना रहे, कुछ सलवी के बैठ रखे खा रही हूँ, कितने टाइम बाद इतने सारे लोग एक साथ होकर खा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा रिजॉर्ट दिखाती हूँ, उस आप देखो, ये देखिए पूल है एंड ऑल, और मैं ले चलती हूँ आपको अंदर अंदर, क्या हो रहा है वो भी दिखाते हैं। इतना ग्रीनरी आप देखो, मतलब इस एरिया में सिर्फ सबके बंगलो ही हैं, लाइक रिसॉर्ट है, बहुत सुंदर से इतना ग्रीनरी। पूरा पहाड़ विजुअल हो रहा है और ये जो पानी आ रहा है ना, ये पहाड़ों का ही पानी है, और इतनी आवाज आ रही है, मतलब मेरे को अंदर से पता चल रहा था भाई क्या गिर रहा है, पता चलता है पूरा पहाड़ का पानी है। देखिए कितना सुंदर ग्रीनरी है भाई, अगर आपके यहाँ छुट्टियाँ होती है आपको टाइम मिलता था, तो 2-3 घंटे बस लगा आने में। पहले तो हम सोच रहे थे बहुत टाइम लगा, बहुत ट्रैफिक होगा, बट इतना सुंदर है, 2 घंटे बस लगा आने में, और बहुत ज़्यादा अच्छा है मौसम, ठंडा है, धूप होती है, हल्की सी बारिश हो जाती है, बट बहुत प्यारा मौसम, बहुत प्यारी जगह, अगर आप आस पास हो तो ज़रूर, वैसे यहाँ के लोग तो मोस्टली घूम चुके होंगे, बट बहुत सुंदर है, अगर आप यहाँ आते हो तो वीकेंड पे आ जाओ और आपको बहुत इन्जॉय करोगे। फिर अब हम लोग हो गए हैं रेडी और निकल रहे हैं वाटरफॉल के लिए, जस्ट अभी पहुँच के देखते हैं वहाँ पे क्या कैसे, वैसे कपड़े वैसे हमने पैक कर लिए, हम तो ऐसे रेडी होकर निकल रहे हैं, और अगर कुछ टाइम मिलता है या कुछ होगा नहाने का, चेंज कर देगा, कपड़े भी रख लिए हम वहाँ पे करेंगे, तो चलिए आपको घुमाते हैं वाटरफॉल। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, जस्ट पहुँच गए अभी, और अब जा रहे हैं वाटरफॉल के पास, हमें वॉक करते हुए जाना पड़ेगा। सीन व्यू तो बहुत अच्छा है, वेदर भी बहुत अच्छा, हल्का ठंडा ठंडा है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, हम वहाँ पहुँचते हैं। राजा पानी की आवाज़, सब लोग हो गए हैं खुश, क्योंकि किसी को पता नहीं था, आधे घंटे चले जा रहे हैं बस, राजा हाथी हाथी सामने देखो तो अपने गिर जाएंगे। लगी है, देखो वाटरफॉल नारा लग रहा है इतना दूर आने के बाद। भाई अंदर तो बहुत जाना पड़ रहा है, बट बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है पूरा ग्रीनरी, मतलब इतना नेचुरल ब्यूटी, बहुत अच्छा लग रहा है। इस ब्लॉग में ना सिर्फ आप नेचर को एंजॉय करो, नेचर की ब्यूटी एंजॉय करो, कितना सुंदर लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सच में यार। भाई यहाँ पे इतना डेंजरस है, इतना ज़्यादा डीप है और ठंडा इतना पानी है कि कोई नहीं नहा रहा है, और बच्चे हो गए हैं गुस्सा, हम लोग जा रहे हैं ऐसे वापस, ऐसे हम लोग प्लान करके आए थे कि हम लोग नहीं नहाएंगे, बट ये लोग प्लान करके आते बच्चे नहाएंगे, बच्चे साई लगा रहे हैं अपने पापा लोगों से लड़ाई नहाने के लिए। यहाँ पे तो नेगेटिव पॉइंट बस एक ही है कि आपको खाना सिर्फ या KFC यहीं से ही खा सकते हो, कि खाने की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग मोस्टली ना चूज सिर्फ KFC ही करते हैं।
मुझे कैरम इतना अच्छा आता है, लेकिन मैं जीत गई, क्वीन मेरे को मिल गई। यस, इन लोगों को हरा दिया। कौन कौन? और फिर हम वाटरफॉल से वापस आ गए थे। फिर हम सेकंड डे निकले यहाँ पे पुंचक वास्तवा घूमने के लिए, और यहाँ पे तो बस नेचर ही इंजॉय करो आप, वेदर वगैरह इतना प्यारा था, बहुत हमें अच्छा लगा। मतलब लाइक वो शिमला वाला मौसम होता है ना, वैसे था, ठंडा था, सब कुछ था, बट नेचर बहुत अच्छा था, सब जगह ग्रीनरी ग्रीनरी थी, तो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और अगर आपने मेरा ब्लॉग अच्छा इन्जॉय किया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ों के साथ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें, और कुछ सरप्राइज़ भी है, कोई मुझे इंडिया से मिलने आ रहा है, तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।